है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पॉसिबल है मैजिक फिगर 272 क्रॉस करना है वो एक ही पार्टी कर सकती वो कांग्रेस नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से आप जानते हैं नफरत की पॉलिटिक्स और तमाम वादे नाकाम हुए खाली जुमलेबाज है उन्होंने ज़्यादा बात करते काम कुछ नहीं करते आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहन दीजिए सेकुलरिज्म रहन दीजिए माइनॉरिटीज़ रहन दीजिए क्रिश्चियंस रहन दीजिए पूरे मुश्किल में आ रहे हैं तो ये तमाम को बर्खास्त करना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और रही बात हैदराबाद के अंदर डेवलपमेंट 0% है हैदराबाद का शहर सारी दुनिया में फेमस है पर आके आप यहाँ पे देखिए ग्राउंड रियलिटी खेड़ा गांव बना हुआ है आज आप पीछे देखते तो फिल्म सिटी सामने देखते तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मल्टीप्लेक्स बेहतरीन डेवलपमेंट आप यहाँ ईस्ट की तरफ देखते तो हाईटेक सिटी आईटी कॉरिडोर हैदराबाद हर जगह डेवलपमेंट सिर्फ हैदराबाद और ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 40 साल से ये सीट एमआईएम के पास है आज भी चाहे एजुकेशन हेल्थ सेहत हाउसिंग जॉब्स हर जगह नाकामयाब रोड वाइडनिंग नहीं हुई लोन फैसिलिटी नहीं है हैदराबाद साउथ जोन में आता ब्लैक लिस्टेड लोन नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता नौकरी नहीं मिलती जिसके पास भी ज़मीन एक 20 साल पहले थी जो 20 लाख है आज बेचेंगे तो 50 लाख आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ और सेम ज़मीन जो बाहर थी आज हैदराबाद को लग के जिसकी ज़मीन 20 लाख की आज 20 करोड़ की हुई क्यों वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा और आज मेरा दिल ये बात बोल रहा कि ओल्ड सिटी का नाम बदलना है इसको ओल्ड कर दिए और जब मैं देख रहा हूँ ये ओल्ड सिटी में फिर के 60% यंग है जवान है जिसके पास जोश है हुनर है जवान है ख्वाब है मगर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज नहीं है मौके नहीं दिए गए तो मैं चाहता हूँ कि ये ओल्ड सिटी का नाम बर्खास्त करके हम गोल्ड सिटी कर देंगे सोने का शहर जिस तरीके से केसीआर साहब बंगारू तेलंगाना बोले गोल्डन तेलंगाना और गवर्नमेंट का तो पैसा लगा रहे पूरे दूसरे एरिया में खाली हैदराबाद में नहीं सबसे बड़ा शागिर्द अगर से कोई है केसीआर साहब का तो हमारे एमपी साहब है एमआईएम के पर ये ओल्ड सिटी डेवलप नहीं हो रहा केसीआर जो बात करे 12% रिजर्वेशन नहीं दिए मुसलमानों को बेखौफ मारते वक्फ बोर्ड को जुडिशियरी पावर नहीं दिए केजी से पीजी पढ़ा तो नहीं पढ़ाए नौकरियां देते घर में बोले नहीं दिए लोन देते बोले नहीं दिए तो जिस तरीके से केसीआर साहब गोल्डन तेलंगाना बोले और बोल के बाहर के इन्वेस्टर आके पैसे डाल ओल्ड सिटी बोल तो डरे हुए हैं घबराए हुए हैं तो आप और हम सब मिलके क्योंकि यहाँ के लोगों को मैं देखा शरीफ है हुनर है मगर गरीब है और गरीबी में भी जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ सोने के वैसा दिल है तो सोने के वैसे दिलों वालों का शहर का नाम तो सोने का सिटी रहना साहब
गुड सिटी तो रहना। और आज की हकीकत क्या है साहब, ये हुनर वाली सिटी, शरीफ सिटी के गरीब लोग हैं और यहाँ के खायद करोड़पतियाँ हैं। पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है साहब, मगर आप हमारे को बताया ना ना, यहाँ के एमपी साहब, यहाँ के एमएलएस बताना ना साहब, आपको इनकम कहाँ से आ रही, रास्ता कहाँ से आ रहा, तो हम लोग गरीब लोग भी फॉलो करते ना। आप लोग गरीबी से अमीर बन गए, हम लोग गरीब है, रास्ता बताओ ना साहब। तो मुख्तसर बात यह है कि हुनर शरीफ गरीब आवाम है और उनके हायत करोड़पति है। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ, एक टाइम आप कांग्रेस को मौका दीजिए, हम एक बेहतरीन स्कीम के साथ आ रहे, मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम। इसका मतलब हर गरीब घर को कांग्रेस हुकूमत महीने को 6,000 और साल को 70 पे 2,000, 72,000 हर एक गरीब को देना चाहते। ये स्कीम हम बराबर लागू करेंगे और हमारे को मालूम हैदराबाद शहर के अंदर 80% गरीब है। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम हम लेके आ रहे हैं और जैसा हम ये स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी बीजेपी रहो, टीआरएस रहो या हमारी एमआईएम रहो, बोखलाहट का शिकार बन रहे हैं, टेढ़े बिंगे बातें कर रहे हैं, मैं वो जलसे में बोलूँगा आपको इंशाल्लाह। तो रही बात, आप एक टाइम कांग्रेस को चांस दीजिए, हमारा एक ही नज़रिया है आपको डेवलप करना और मैं क़यादत में आ जाऊँगा इंशाल्लाह और आप लोगों की दुआओं के तोहफे से कांग्रेस आ जाएंगी। 6 महीने के अंदर राहुल गांधी को चार मीनार के पास लेके आऊँगा और ओल्ड सिटी के लिए 1,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिलाऊँगा। देखिए 11 तारीख में हाथ की शर्बे में भारी से कामयाब बनाइए, फेरोज साहब याद मजबूत करे, राहुल गांधी जी याद मजबूत करे, सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। हो जाएंगे ले जाएंगे जाएंगे अब रह जाएंगे पार्टी वाले जाएंगे। भाई और बहनों बुजुर्गों साथियों, 11 तारीख के दिन हाथ की निशान बोल दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मोहम्मद फैज खान साहब बोल दीजिए, जवान खाए मोहम्मद फैज खान साहब है, हम बोल दीजिए, हम बोल दीजिए, हाथ की निशान बोल दीजिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। आज आप कांग्रेस वोट दीजिए, आप राहुल गांधी के।